नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 13 मई नेमावर हत्याकांड में मारे गए मृतकों को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई और दोषियों पर फांसी की सजा की कार्रवाई हो, जिसमें युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष यश ठक्कर, प्रशांत सेन, प्रिंस शर्मा, सुरेश गुप्ता, कलीम बाबा, कयूम पेंटर एवं समर खान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। नेमावर में जो हत्याकांड हुआ है, जो बेटियों की हत्या हुई है, एक माँ की हत्या हुई है, एक बेटे की हत्या हुई है और बड़ी घिनौनी हरकत हमारे प्रदेश में हुई है, इसका हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए एक विरोध कर रहे हैं। बेटियों को और माओं को सबको इंसाफ मिले और इस मामले की कड़ी से कड़ी जांच हो। हम निंदा करते हैं इस मामले की। इसे गलत काम हमारे प्रदेश में लगभग दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार का इन चीज़ों पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं है और इसमें कई सरकारी अफसर और कई और बड़े नेताओं के भी नाम आ रहे हैं। पक्ष बीजेपी शिवराज सिंह जी की सरकार इस पर बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रही है। हम इस चीज़ की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं एवं शिवराज सिंह जी को होश में आने का कहते हैं। युवा कांग्रेस इस मामले पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और अगर इसमें इंसाफ माता को या बेटियों को, हमारी बहनों को नहीं मिला, तो इसमें हम प्रदेश में भी इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और रोड पे भी आएगी यूथ कांग्रेस। शिवराज सिंह जी को ये हमारी चेतावनी है। फिरोज मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।